अरे भाई नहीं, तू ढंग से बात करना, तू नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव। मैंने पहले ही बोला था, नहीं बोल, तू नेगेटिव है। मैं नेगेटिव हूँ, ये सोचो करने लगा। ये वीडियो है हिंदी में, तो मेरी इंग्लिश ऑडियंस के लिए ये वीडियो नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैं मैक्सिमम हिंदी बोलने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय सेला फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोस्तों, ये वीडियो उसके बारे में है जो कि बंदा घर आ चुका है, लेकिन अभी भी उसका आधा ध्यान शिप पर है। और ये जितने भी यंगस्टर्स हैं जो एक शिप दो शिप करके आए, वो सारे इस बात से रिलेट कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि जब मेरा भी पहला या दूसरा शिप कैडेट शिप में हुआ था, तो मैं भी कुछ ऐसे ही बिहेव करता था। उठ जा, कितनी देर सोएगा, उठ, वेक अप। हैं, वॉच का टाइम हो गया क्या? वॉच का टाइम हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें अभी खत्म हो गई हैं, बट जो लोग जहाज पे नहीं जा चुके उन्हें भी कुछ आइडिया लग जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है, और जो जा चुके हैं वो तो एकदम रिलेट ही कर पाएंगे कि भाई हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही था। ये वीडियो उसके बारे में है, ये बंदा है, ये शिप में करके आ चुका है, 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, और अब ये घर आ चुका है, और अब देखिए इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है फोन। जहाज में मॉर्निंग में होता है ब्रिज पे कैडेट एंड चीफ ऑफिसर, इंजन रूम में होता है समटाइम जूनियर इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और थर्ड इंजीनियर। सो उन्हें आदत हो चुकी होती है हमेशा फोन उठाकर ये बोलने की, गुड मॉर्निंग दिस इज ब्रिज। नीचे इंजन रूम में जूनियर इंजीनियर को आदत हो जाती है बोलने की, गुड मॉर्निंग दिस इज इंजन रूम। अब ये बंदा जब घर आ जाता है, जब इसका फोन बजता है, तो ये फिर भी वही चीजें बोलता है। गुड मॉर्निंग इसियर, गुड मॉर्निंग ब्रिज। अरे यार ये तो, हाँ भाई बोलो, कौन आ रहा है गेट पे? पागल हो गया क्या? क्या? तो वो तू पागल है क्या? बैग में शूटिंग कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में तू पागल हो गया, पागल कितना एडिटिंग करूंगा मैं, पागल हो गया, पागल हो जाता आज भी शिप से आने के बाद। सारे जहाजियों को शिप में चीजें सिक्योर कर करके ऐसी आदत पड़ जाती है कि सारी चीजें उन्हें हमेशा सिक्योर ही करके रखनी पड़ती है। कैबिन में सारी चीजें सिक्योर्ड, ड्रॉअर के अंदर चीजें सिक्योर्ड, स्टोर्स के अंदर, डेक के अंदर, एकोमोडेशन के अंदर, हर जगह वो बंदा 9 महीने या 6 महीने सिर्फ चीजें सिक्योर करके रख रहा है। तो अब जब ये अचानक से घर आ जाता है तो इसकी ये हैबिट भी कंटिन्यू होती है। उसको, अरे मेरे को लगा मैं शिप पे हूँ, रोलिंग में गिर जाएगा। अच्छा अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो घर पे आ। जहाज में कुछ भी खराब हो जाता है, हर डिपार्टमेंट का एक आदमी होता है। इलेक्ट्रिकल चीज खराब हुई, सीधा कॉल, कॉल बत्ती साहब, कॉल इन, कॉल इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। अगर कोई मैकेनिकल चीज खराब हो गई है, कॉल सेकंड साहब, कॉल तीन साहब। अगर कोई वेजेस में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, यू नो, या कोई स्टोर चाहिए, कॉल चीफ ऑफिसर। तो ये आदत बंदे की घर में भी कंटिन्यू रहती है। अब अगर घर में बोलते हैं कि टैप नॉट वर्किंग, बोल देगा कॉल इंजीनियर। ओवरबोर्ड ड्रिल, जहाज में एक बड़ा खतरा, एक इमरजेंसी हमारी होती है कि कोई ओवरबोर्ड ना गिर जाए। तो अब घर में आने के बाद भी बंदा बैल्कनी में खड़ा होता है, कहीं भी खड़ा होता है, उसको यही लगता है कि यार मैं ओवरबोर्ड गिर जाऊंगा, पानी में ना चला जाए, या घर में कोई चीज खराब हो गई या कचरा हो गया, बोलेगा फेंक दो इसको। वैसे आजकल के रेगुलेशन के हिसाब से पानी में कुछ फेंकना अलाउड नहीं है, बट यू नो वो एक आ जाता है कि फेंक दो इसको पानी में, या वो ओवरबोर्ड गिर जाएगा। अरे क्या कर रही हो, यू शैल फॉल ओवरबोर्ड, शैल फॉल ओवरबोर्ड। अरे माय गॉड, अरे यार ये घर है, पानी नहीं है जो गिर जाएगी। भूख, भूख लगती है जहाज पे। जैसे ही भूख लगती है बंदे को याद आती है गैली की। अब घर में आ चुका है, घर में गैली तो है नहीं, किचन है, बट गलती से बंदा भूख में इतना खोया हुआ रहेगा, 6 महीने में इतना ट्यूनिंग हो गई उसकी कि वो बोलेगा गैली, किचन को भी बोलेगा गैली।
अरे भूख लग गई यार, कुछ गैली से ले आओ। आज मेनू में केक था। गैली मेनू अभी भी शिप पे हो? उतर जाओ, जो किचन में ला के देती हूँ। और भी छोटी मोटी चीजें, जैसे वॉल को बोल देगा बल्कहेड, खिड़की को बोल देगा पोर्ट होल, और ये सारी चीजें शिप का, शिप में वो बंदा रह के ट्यून हो गया है कि घर में भी वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है। दोस्तों उम्मीद है काफ़ी सारे लोग जिन्होंने जो शिप पे सेलिंग कर चुके हैं वो इन बातों से कुछ हद तक अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, और जो नहीं कर चुके हैं उन्हें कुछ आइडिया लग जाएगा कि जब आप शिप पे जाते हैं तो आप फिजिकली मेंटली कितना ज़्यादा शिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो चीज़ें घर पे आने के बाद भी कंटिन्यू होती है। इसके बाद मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि मैंने की थी ऐसे सेकेंड मेट 12 to 4 वॉचेस, 12 to 4, जिसमें कि सेकेंड मेट रात को 12 to 4 जगता है, वॉचेस करता है, दिन में भी 12 to 4 वॉचेस करता है। घर आने के बाद ऑलमोस्ट 2 महीने मैंने स्ट्रगल किया, मुझे नींद ही नहीं आती थी। रात को 12 to 4 ऑटोमेटिक में उड़ जाता था क्योंकि मेरा बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे सेट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो सकती हैं। फायर प्लान में क्रूलिस रखी थी, क्रूलिस रखी थी। अच्छा अब तो मैं घर आ गया हूँ। You really captain? My God, क्या मेस कर रखा है रूम का? कोई बात नहीं, कल मेस में आकर सुबह क्लीन कर देगा ना। मेस में? कल हमारा कैबिन का क्लीनिंग डे है। मेस में क्लीन करेगा? You better. हाँ सॉरी सॉरी, अभी घर पे आ गया हूँ। बाय बाय, कल बाय करेगी तेरे को क्लीन करेगी। बाय करेगी, मैं करूँगी। आई मैच। What time we are going to garden? अरे यार तुमको दिख नहीं रहा है मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। We will go at 18:30 local time and 1300 Zulu. What? Sorry. 6:30 PM शाम को चलेंगे। Really? भाई साहब इंडियन शिप, इंडियन शिप में लंच में बनती है बिरयानी संडे को। अब इस बंदे ने 6 महीने संडे को लंच में खाई है बिरयानी, अब ये आ गया घर पे, और घर पे आने के बाद फिर ये मांगता है संडे की बिरयानी। Everybody has a role in this video, so everybody will end this video. Hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit the like button and do not forget to subscribe to Ship Sailor Sunil. With that said, guys, bon voyage, happy sailing, and Jai Hind. Jai Hind. अच्छा ये बता कि संडे को क्या बना रही है? संडे को लंच में क्या बना रही है? पराठे बना दूँगी। पागल है, बिरयानी डे है, बिरयानी बना। जा रही तू शिप पे जा। अच्छा बोलो पापा शिप पे जाओ बिरयानी। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, बहुत हो गई छुट्टी मेरी। मैं नेगेटिव आदमी हूँ। ओके रिकॉर्ड हो गया वीडियो में। थैंक्स। जितना लाइट में कौन सोता है रे, लाइट बंद करो। अब करो। क्या समझ के रखी है? थिंक यू आर ब्लॉगर, मतलब आई एम ऑलवेज द गाइड। चलो ठीक है, काम चल रहा है। जय हिंद। लड्डू तो मेरे को नहीं खाया ही नहीं। खाना तेरा लड्डू। What?